15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया। सोशल मीडिया पर मंडला डिंडोरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद और केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में फग्गन सिंह कर्ज माफी पर बात करते हुए अमर्यादित शब्दों या साफ शब्दों में कहें तो गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया। वीडियो वायरल होने के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति काफी गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से फग्गन सिंह के बयान की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता को पार्टी से तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। भैया 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया। हालांकि यहां सवाल यही उठता है कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर कैसे कर सकता है। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, नेताओं के क्रियाकलाप को लेकर गुस्सा हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए नेता अपनी भाषा की मर्यादा को तार तार कर देंगे? नेता जिन्हें माननीय कहकर संबोधित किया जाता है, अगर इस तरह से गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें और लुच्चे लफंगों में क्या ही फर्क रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।